मंगलमूर्ति मोरया। देवचली भाइयों, मां शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक हमारा है 278 और आज हमारे बीच में है आदरणीय बागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। और आज जो उनका विषय है वो है स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे पूर्व भी आप कई जीवनी ले चुके हैं। अब हम आदरणीय एन के नेताब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर से, उनसे निवेदन करते हैं। दोस्तों, आदरणीय बागी जी की तरफ से आदरणीय नेताब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। आज हमारे इस सफर का 278वां पड़ाव है और 9 महीने से ऊपर हो गए हैं लगातार इस चिंतन स्वाध्याय और चिंतन के इस सफर को करते हुए। हम लोग को ये यात्रा बहुत सुखद चल रही है हम लोग की, और कोई इस यात्रा से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, और नई नई चीजें इसमें जुड़ती चली जा रही हैं। उसी कड़ी में जैसे हम लोग का था कि कुछ लोगों को जीवनियां, जो हमारे राष्ट्र पुरुष रहे हैं, जिनसे की लोगों को प्रेरणा मिले, प्रेरणादायक चरित्र उनके विषय में कहा जाए, तो इसका बीड़ा उठाया था हमारे बागी शर्मा जी ने। बागी शर्मा साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हर दिल अजीज, हमेशा खुश रहने वाले और बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनमें वाणी में उनकी बहुत ओझ है और वाणी में शक्ति है। जब किसी चरित्र के बारे में, किसी के राष्ट्र पुरुष के चरित्र के बारे में बखान करते हैं, तो उनके बारे में पहले बहुत अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उनकी छोटी छोटी बातें जब हम सोचते हैं कि इसको किस तरह से बताएंगे, इसको किस तरीके से कहेंगे, उनके उसको बहुत सहजता से बताते हुए चले जाते हैं। और जिन चीजों का हम लोग को कई बार पता भी नहीं होता है, वो विषय उनकी इस वाणी से सुनने को मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये तो हमें पता ही नहीं था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं हमारे देश की स्वतंत्रता, और इधर नए राजनीतिक माहौल में उनके विषय में चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। ऐसे में चाहूंगा कि आज वो उनके उनकी कई चीजें बहुत रहस्यमय रही हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जैसे उनकी मृत्यु के रहस्य के विषय में आज तक कोई नहीं बता पाया है, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, हुई भी कि नहीं हुई, ये सब ऐसे विषय हैं। इन विषयों पे भी मैं चाहूंगा कि आज बागीश जी प्रकाश डालेंगे, और कैसे नेताजी का योगदान रहा हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश को आज की तारीख में हमारा जो देश है, और अगर वो रहते तो हमारा देश क्या होता, इस विषय पे वो बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं इन शब्दों के साथ इनको दावत देता हूँ, स्वागत करता हूँ श्री बागी शर्मा साहब का, कि आज के सोपान में वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनके विषय में अपना वक्तव्य दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है बागीश जी। धन्यवाद नैब साहब, धन्यवाद अरविंद भाई साहब, कि आपने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की है जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर विभिन्न विद्वान हर तरह के अपने अपने विचार लेकर आते हैं। सर्वप्रथम माँ गायत्री का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक नाम जिसको सुनकर अंग्रेज सरकार सिहर उठती थी, और नेताजी को काबू में करने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काबू में करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिर तक वो उसमें काम नहीं हो पाए थे। हालांकि नेताजी को कई बार गिरफ्तार किया गया, वो भी एक विषय है जो बीच में आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उड़ीसा में एक कटक शहर है, वहां पर उनका एक हिंदू कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता श्री जानकीनाथ बोस और माता श्रीमती प्रभावती थी। इनके पिता जानकीनाथ जी कटक शहर के मशहूर वकील थे। शुरुआत में वो सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और उन्होंने कटक
महापालिका में भी बहुत लंबे समय तक सदस्यता सदस्य के रूप में काम किया और बाद में बंगाल विधानसभा के भी वो सदस्य रहे थे। उनकी का स्टेटस हम इस रूप से भी देख सकते हैं कि अंग्रेज सरकार ने जानकीनाथ बोस को रायबहादुर का खिताब दिया था। जानकीनाथ और प्रभावती बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, 6 बेटियां और 8 बेटे। सुभाष चंद्र बोस उनके 5वें बेटे और कुल देखा जाए तो 9वीं संतान थे। वैसे तो भाई बहनों में बहुत प्रेम था, लेकिन सुभाष को सबसे अधिक लगाव अपने भाई शरद चंद्र से था। शरद बाबू उनकी संतान मतलब अपने माता पिता की संतानों में नंबर दूसरे नंबर के बेटे थे। सुभाष बाबू उन्हें प्रेम से मेजदा कहकर बुलाते थे। शरद बाबू क्योंकि उनसे काफी बड़े थे तो उनका विवाह पहले हो गया था और उनकी पत्नी का नाम था विभावती। चलिए, कटक के प्रोस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की 1909 में उन्होंने, और उसके जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे बेनी माधव दास संभवतया, उनके व्यक्तित्व का नेताजी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था और बड़ा सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ा था। नेताजी की जो जीवन है उनके ऊपर विवेकानंद का बहुत बहुत प्रभाव था, क्योंकि और मात्र 15 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि नेताजी ने संपूर्ण विवेकानंद साहित्य को पढ़ लिया था। संकल्प शक्ति नेताजी की बहुत अच्छी थी। कहा जाता है कि जब नेताजी बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो वैसे तो वो बहुत होशियार थे, आपको सब पता है, ACS से उन्होंने जीता था, उन्होंने उस टाइप की सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की थी। बचपन में जब वो पढ़ते थे सारे विषयों में तो वो बहुत अच्छे प्रवीण थे, लेकिन बंगाली में बहुत कमजोर थे और इसी कारण बंगाली में उनके नंबर कुछ कम आते थे। एक बार उनके अध्यापक ने सभी छात्रों को बंगाली में निबंध लिखने को कहा। सभी छात्रों ने बंगाली में निबंध लिखा, लेकिन सुभाष के निबंध में बाकी और विद्यार्थियों के मुकाबले बहुत ज्यादा गलतियां थी। अध्यापक ने जब इन सारी बातों का जिक्र कक्षा में, पहले तो ये तो अब हुआ है सिस्टम, अदरवाइज पहले तो सारे कक्षा में जो निबंध या कोई भी परीक्षा ली जाती थी उसके बाद पूरी कक्षा के सामने के किसने अच्छा लिखा है किसने बेकार लिखा है ये बताया जाता था। अध्यापक ने जब इन कमियों का जिक्र किया तो सभी छात्रों ने नेताजी का बालक सुभाष का बहुत मजाक उठाया, और जो क्लास का एक विद्यार्थी था उसने कहा कि सुभाष वैसे तो तुम देश प्रेम और देशभक्ति की लेकिन इतनी बातें करते हो, लेकिन अपनी मातृभाषा पर तुम्हारी पकड़ इतनी कमजोर क्यों है। और यही बात सुभाष बाबू को बहुत बुरी लगी और उन्होंने अंदर तक मन में बैठ गई और उन्होंने मन मन निश्चय कर लिया कि अब वो बंगाली को ढंग से सीखेंगे। उस दिन के बाद से चूंकि उन्होंने संकल्प लिया था तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं बंगला में पारंगत हो जाऊंगा, और उन्होंने व्याकरण को पढ़ना शुरू किया और दृढ़ निश्चय किया कि वो केवल ना केवल बंगाली अन्य विषयों के मैं सभी में सर्वश्रेष्ठ नंबर लाऊंगा। कुछ दिन बाद उन्होंने इसमें अपनी प्रवीणता हासिल कर ली और जब धीरे धीरे वार्षिक परीक्षाएं निकट आई, कक्षा के जो विद्यार्थी थे वो सुभाष से कहा करते थे भले ही तुम कक्षा में प्रथम आते हो पर जब तक बंगाली में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते तब तक तुम्हें हम फर्स्ट नहीं कहेंगे। वार्षिक परीक्षाएं खत्म हुई और जब रिजल्ट आया तो सुभाष सिर्फ कक्षा में ही प्रथम नहीं आए बल्कि बंगाली में भी उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। ये सब देखकर जो और बाकी जो उनके सहपाठी थे और शिक्षक सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा सुभाष ये सब कैसे संभव हुआ। तब सुभाष ने विनम्रता के साथ कहा था कि यदि मन लगन उत्साह और एकाग्रता हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। 1915 में नेताजी सुभाष चंद्र ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। हालांकि वो परीक्षा से करीब 30-40 दिन पहले बहुत बीमार रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परीक्षा ठीक ठाक नंबरों से उत्तीर्ण की और 1916 में उन्होंने बीए ऑनर्स में लिया, दर्शन शास्त्र में प्रवेश ले लिया। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज
में अध्यापकों और छात्रों के बीच कुछ झड़पें हुई और सुभाष ने अपनी, क्योंकि ये शुरू से ही उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता थी, तो उन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया और जो प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से काफी उनका वाद विवाद हुआ और कारण और उसका परिणाम ये निकला कि सुभाष को एक साल के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया और उन पे परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सुभाष का शुरू से मन था कि मैं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हो जाऊं और सुभाष ने उसकी परीक्षा प्रवेश परीक्षा भी दी, लेकिन क्योंकि उनकी आईसाइट वीक थी इसलिए उन्हें रिटेन तो उन्होंने क्लियर कर लिया लेकिन सेना के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब और कोई चारा न देखकर नेताजी सुभाष ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश ले लिया, लेकिन उनके मन में आर्मी में जाने के प्रति या सेना के द्वारा राष्ट्र की सेवा करने का मन में बड़ा विचार चलता रहा और खाली समय का उपयोग करते हुए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश मिल गया। चाह रहे थे अफसर बनना लेकिन उन्होंने कहा चलिए रंगरूट ही सही। फिर नेताजी सुभाष चंद्र को ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी नंबर कम ना आ जाए, तो उन्होंने खूब मन लगाकर परीक्षा की और बीए ऑनर्स की परीक्षा जो उन्होंने की थी वो फर्स्ट क्लास में पास किया। सुभाष का देश, मानवता और गरीब तबके के प्रति शुरू से ही बहुत लगाव था और वो सच्चे मन से सेवा करना चाहते थे। उन दिनों बंगाल में बाढ़ आई और बहुत सारे गांव डूब गए, ये 1919-20 की बात है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त था। नेताजी सुभाष ने उस समय कॉलेज में क्योंकि पढ़ते थे, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं, कुछ स्वयंसेवकों के साथ मिलकर उन्होंने राहत सामग्री इकट्ठा करने का काम शुरू किया और दिन रात वो इसी काम में लगे रहते और घर पर भी कभी कभार आते। एक दिन उनके पिता ने सुभाष से कहा कि बेटा आज भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए जा रहे हो क्या? सुभाष ने कहा जी पिताजी, आज जाना मेरा आवश्यक है क्योंकि मुझसे ये लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता कि लोग परेशान हो और मैं घर में आराम से बैठा रहूं। इस बाढ़ ने क्योंकि पूरे हमारे क्षेत्र में बहुत विनाश किया है तो ऐसा मंजर है कि मैं इसे सहन नहीं कर पाता और ऐसे मंजर में यदि इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर उसका जीना व्यर्थ है। उनके पिता ने कहा बेटा मैं पूरी तुम्हारी बातों से सहमत हूं, तुम मानव सेवा अवश्य करो लेकिन थोड़ा अपने घर में भी ध्यान रखो। देखो अपने गांव में देवी माँ का विशाल पंडाल लगा हुआ है, वहां पे पूजा का आयोजन चल रहा है और वहां तुम्हारी माँ की भी इच्छा और मेरी भी इच्छा है कि तुम्हें वहां पर रहना चाहिए और इसलिए आज तुम वहां मत जाओ अपनी जनसेवा में, आज तुम पूजा में चलो। सुभाष ने कहा कि क्षमा करो पिताजी, आज मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आप सब लोग पूरा घर जाके देवी माँ की पूजा करो, मैं तो दीन दुखियों की पूजा करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि दीन दुखियों की पूजा करके भी मुझे दुर्गा माँ की पूजा वाला पुण्य मिल जाएगा। पिता ने अपने बेटे की ये बात सुनी और उन्होंने गले से लगाते हुए कहा कि बेटा सचमुच दुर्गा माँ की वास्तविक पूजा तुम ही कर रहे हो और अब मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रुकूंगा, और वो चले गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब उन्होंने फर्स्ट क्लास में परीक्षा पास की तो उनका वैसे भी मेरिट में नंबर 2 सेकंड स्थान था। सुभाष के पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने, किंतु उस समय जिस एज रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी उसमें यह था कि सुभाष को केवल एक ही बार में परीक्षा पास करनी होगी। तो नेताजी सुभाष ने अपने पिता से कहा कि मुझे आप 24 घंटे का समय दीजिए, मैं सोचकर बताता हूं कि मैं परीक्षा दूं या ना दूं और इसके बारे में जो भी होगा मैं आपको सुबह अवगत करा दूंगा। कहा जाता है नेताजी सारी रात यही सोच असमंजस में रहे कि क्या किया जाए। आखिर में उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और इंग्लैंड चले। अब परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी भी स्कूल में उन्हें दाखिला नहीं मिला, लेकिन किसी तरह किट्स विलियम हॉल में उन्हें अध्ययन
और मॉरल स्टडीज की परीक्षा में अध्ययन के लिए प्रवेश में लिया। इससे हुआ क्या, एक तो उनका रहने की और खाने पीने की समस्या हल हो गई, और एडमिशन तो लेना एक बहाना था, असली मकसद तो उनका था कि एपीयर होना है और पास करना है। सुभाष ने 1920 में वो परीक्षा में बैठे और वरीयता सूची में चौथा स्थान पास किया। उस वक्त जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में आईसीएस का इंटरव्यू देने गए परीक्षा पास करने के बाद, तो वहां इंटरव्यू लेने वाले सभी अधिकारी अंग्रेज थे और वो किसी भी भारतीय को उच्च पद पर देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो इंटरव्यू में ऐसे अजीब गरीब सवाल पूछते थे कि आदमी इरिटेट होके गलत जवाब दे, या फिर ऐसे कठिन प्रश्न पूछे जाए कि जिससे कि भारतीयों को नीचा दिखाया जा सके या फिर उन्हें रिजेक्ट करने का मौका मिले। जब सुभाष की बारी आई तो इंटरव्यू के लिए जब वो अंदर कमरे में घुसते तो अंग्रेज अधिकारियों के सामने बैठ गए। एक अधिकारी ने उन्हें व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा, जेंटलमैन बताओ इस छत पर जो पंखा चल रहा है इसमें कुल कितनी पंखड़ी है? इस अटपटा सा प्रश्न था, सुभाष की नजर पंखे की तरफ गई तो पंखा बहुत तेज चल रहा था। उन्हें पंखे की ओर देखते हुए जो इंटरव्यू करने वाले अंग्रेज थे वो मुस्कुराने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दूसरा अंग्रेज जो है उसने बोला, यदि तुम पंखड़ों की संख्या सही नहीं बता पाए तो इस इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। एक और सदस्य बोला कि भारतीयों में बुद्धि होती ही कहां है जो वो ये सब चीजें आराम से बता सके। सुभाष का जो दृष्टि है वो थोड़ी इस मामले में घूमी, उनका दिमाग घूमा। उन्होंने निर्भीकता से पूछा कि अगर मैंने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप फिर मुझसे दूसरा प्रश्न नहीं पूछेंगे, और आप ये भी स्वीकार कर लेंगे कि भारतीय न केवल बुद्धिमान होते हैं बल्कि वे निर्भीक और धैर्य से उत्तर दे हर प्रश्न का उत्तर खोज लेते हैं। अब बड़ी असमंजस की स्थिति थी, अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली, बोले ठीक है आप जवाब दो। सुभाष एकदम अपनी सीट से खड़े हुए, पंखा बंद किया, पंखा रुकते ही पंखड़ियों की संख्या गिनी और पंखा ऑन करके उन्हें संख्या बता दी। सुभाष की विलक्षण बुद्धि और सूझबूझ और साहस देखकर इंटरव्यू के बोर्ड के जो सदस्य थे वो थोड़े लज्जित हुए और उन्होंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा और कहा कि ठीक है तुम इसमें पास हो गए। ये खबर जब पास उन्हें होने की तो उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर कहा कि मेरा जो है मैंने ये पास कर लिया है, लेकिन क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के जो आदर्श हैं उनका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, इसलिए मैं इस आईसीएस की परीक्षा आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। और 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने जो भारत सचिव के जो थे मॉन्टेग्यू करके थे वो उनको आईसीएस से त्याग पत्र देने के लिए पत्र लिख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र ने एक पत्र दीनबंधु देशबंधु चित्तरंजन दास को भी लिखा और उन्होंने लेकिन उनकी माताजी जो थी उन्हें भी एक पत्र लिखा इसी बारे में कि मैं देश सेवा करना चाहता हूं और आईसीएस नहीं बनना चाहता। तो उनकी माताजी ने कहा कि बेटा पिता परिवार के लोग या और कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे तुम्हारे इस फैसले पर गर्व है कि तुम अंग्रेजों की सेवा ना करके देश प्रेम करना चाहते। क्योंकि नेताजी के लिए देश प्रेम सर्वोच्च था तो कहा जाता है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस तैयारी के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे तो उस समय भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त थी और कोई भी अच्छा
नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था। हालांकि उनके त्यागपत्र दे देने के बाद उनके पिता बहुत ज्यादा दुखी हुए और इस कारण वो बीमार भी रहने लगे। जब उनके बड़े भाई शरद चंद्र ने अपने पिता की यह हालत देखी तो उन्होंने सुभाष को पत्र लिखा और सूचित किया कि पिताजी तुम्हारे फैसले से बहुत दुखी हैं, आवेश में आके तुमने ये फैसला कर तो लिया लेकिन पहले एक पिताजी से भी तुम्हें बात कर लेनी चाहिए थी। ये पत्र पढ़कर सुभाष को बहुत दुख हुआ और वो से दुविधा की स्थिति में आ गए। उन्होंने अपने बड़े भाई शरद पत्र को एक और पत्र लिखा कि पिताजी की नाराजगी तो जायज है लेकिन इंग्लैंड के राजा के प्रति मेरी वफादारी की शपथ लेना मुझे संभव नहीं लगता। मैं खुद को देश के प्रति समर्पित करना चाहता हूं। मैं हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो निर्धनता हो, अभाव हो, यहां तक कि माता पिता की प्रसन्नता भी हो, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं देश को की सेवा करना चाहता हूं। इसके बाद उनके बड़े भाई ने सुभाष को पत्र लिखा कि पिताजी रात रात भर सोते नहीं है इस चिंता में कि भारत आते ही तुम्हें कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए क्योंकि तुम्हारे विचार जिस तरह से हैं वो यहाँ की जो सरकार है उसको पसंद नहीं रहा। सरकार तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखे और तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही जरूर करेगी और अब तुम्हें मुझे लगता है कि यहाँ पे स्वच्छंद या स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। ये पत्र सुभाष के मित्र दिलीप राय ने पढ़ा। वो दिलीप राय भी उस समय वहां पर एक अच्छे इनके सुभाष के मित्र थे और वहीं ICS के ही उसमें थे। उन्होंने सुभाष से कहा कि मित्र यदि तुम चाहो तो मैं अथॉरिटीज से मिलके तुम्हारा त्यागपत्र वापस करवा सकता हूं। ये बात सुनकर सुभाष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं ये कर सकता हूं। तब दिलीप ने कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे पिता बीमार हैं। तो लेकिन अपने मित्र की बात काटकर सुभाष ने कहा कि मैं जानता हूं इस बात का मुझे भी खेद है कि मेरी कारण मेरे पिता परेशान हैं। लेकिन अगर अपने परिवार की प्रसन्नता के आधार पर हम अपने आदर्श निर्धारित करने लगे तो क्या ये ठीक रहेगा। ये बात सुनकर दिलीप राय भी हतप्रद हो गए और उनके मुंह से अनायास निकला था कि सुभाष तुम धन्य हो और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। खैर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जून 1921 में अपनी मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश लौट आए। कलकत्ता में स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से बहुत ज्यादा प्रेरित थे सुभाष बाबू और वो इनके साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर कहा कि मैं आपके साथ काम करने की इच्छा करता हूं। और फिर रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह पर उन्होंने भारत आने पर सबसे पहले बम्बई गए और रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनसे कहा था कि पहले तुम गांधी जी से मिलो। उस समय गांधी जी मणिभवन बम्बई में रहा करते थे। 20 जुलाई 1921 को गांधी जी की और नेताजी सुभाष की सबसे पहली बार मुलाकात हुई और गांधी जी ने उन्हें कलकत्ता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आ गए और वहां पे दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था और दास बाबू इस आंदोलन में बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी के साथ सुभाष भी उनके साथ जुड़ गए और इस आंदोलन में सहभागी हो गए। जब 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद किया गया तो दास बाबू ने कांग्रेस के इस फैसले को गलत ठहराया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। विधानसभा के अंदर अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका के चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़ा, स्वराज पार्टी के बैनर के नीचे लड़ा गया और दास बाबू कलकत्ता के महापौर बन गए। महापौर बनने के बाद उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी बना दिया और सुभाष ने अपने कार्यशैली कार्य प्रणाली से और अपनी कार्यक्षमता से
महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का ढंग बदल दिया। और उस समय ध्यान देने वाली बात है, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उनके भारतीय नाम बदल कर दिए। और उन्होंने साथ में यह भी किया कि स्वतंत्रता संग्राम या इससे संबंधित जो लोग इस आंदोलन में जिनके प्राण की आहुति होती है उनके परिजनों को महापालिका में नौकरी मिलेगी। इन्हीं सब कार्यों के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। और नेहरू जी के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों के लिए एक इंडिपेंडेंस लीग नाम के एक संस्था शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कलकत्ता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने के लिए 8 सदस्यीय आयोग बनाया और मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उसमें से एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू जी को रिपोर्ट पेश की। 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ तो इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष खाकी गणवेश में धारण करके मोतीलाल नेहरू के सामने गए और सैन्य तरीके से उनको सलामी दी। हालांकि गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में ही उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेट्स मांगने की ठान ली, लेकिन सुभाष बाबू और नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना नहीं चाहते थे। और आखिर में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दे दिया जाए, और अगर अंग्रेज सरकार 1 साल में काम पूरा ना करे या हमारी मांग पूरी ना करे तो फिर हम स्वराज की मांग करेंगे। जैसा क्या होना था अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। और जब 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता के असेंबली में राष्ट्र ध्वज फहराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व किया। उसके ऊपर पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां चलाई और उन्हें घायल करके जेल में डाल दिया गया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को बार बार कहने के बावजूद भी, अनेक प्रयासों के बावजूद भी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष ने गांधी और कांग्रेस के तरीकों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया और वो इससे नाराज हो गए। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा था। सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास हुआ था। उसके 1900 में गोपीनाथ साहा ना किसी मसले में मार दिया था और वो जो गोपीनाथ साहा था उसने गलती से अर्नेस्ट डे नाम के एक व्यापारी को मार डाला था, उसको फांसी की सजा हो गई थी। गोपीनाथ को जब फांसी की सजा हुई तो सुभाष बहुत परेशान हुए और बहुत रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव वहां से मोर्चरी। सरकार को ये लगा कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारी है और इसका संबंध न केवल स्वराज पार्टी से बल्कि क्रांतिकारियों से भी है। अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चितकाल के लिए म्यांमार मांडले जेल में बंदी बना दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु हुई। नेताजी सुभाष चंद्र ने जब उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत परेशान हुए और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति कुछ इस तरह की रही कि वो बीमार रहने लगे। कहा जाता है कि उनको टीबी हो गया था, तपेदिक के कारण
लेकिन सरकार, अंग्रेज सरकार उन्हें बीमारी की हालत में भी रिहा करने के मूड में नहीं थी। और जब बहुत ज्यादा दबाव हुआ तो सरकार ने एक शर्त रखी कि हम इन्हें रिहा तो कर देंगे लेकिन इन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ेगा। अंग्रेज सरकार ने ये तो कह दिया कि हाँ यूरोप जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये शर्त स्वीकार कर ली और वो जेल से रिहा होकर चले गए। ये जब इस प्रकरण के बाद, वो ठीक होने के बाद, नेताजी डलहौजी चले गए और वहां पर काफी दिन तक उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। 1930 में जब सुभाष कारावास में थे उस समय उनको कलकत्ता का महापौर चुन लिया गया। 32 में उन्हें फिर से कारावास हुआ और इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रख दिया गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इस बार उन्होंने फिर इलाज के लिए यूरोप जाने के लिए की तैयारी कर ली। कहा जाता है कि 1933 से 1936 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे और यूरोप में अपनी सेहत का उन्होंने ख्याल रखना बदस्तूर जारी किया और वहां के जो इटली के नेता मुसोलिनी से मिले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ ना कुछ वो वहां पर अपना कार्य अंजाम कराते रहे। आयरलैंड के एक नेता थे डी वलेरा, वो उनके अच्छे दोस्त बन गए थे और जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे उन्हीं दिनों नेहरू जी की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया था। नेताजी सुभाष ने खुद जाकर वहां पर उनकी सेवा शुश्रूषा की और अंतिम संस्कार में नेहरू जी जब पहुंचे तो उन्हें सांत्वना दी। सुभाष चंद्र बोस को यूरोप में सरदार पटेल के भाई थे विठल भाई पटेल, वो भी मिले। विठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की और इस मंत्रणा को उस समय के जो समसामयिक नेता थे उन्होंने बहुत प्रसिद्ध सराहा था। हालांकि उन दोनों के इस प्रकरण में दोनों ने ही गांधी जी के नेतृत्व को अच्छा नहीं माना था, लेकिन जब विठल भाई पटेल बीमार हुए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। आत्मीयता की तो ये बात थी कि विठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके छोटे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया और आखिर में जब कोई वो इसके ऊपर कोई आपस में डिस्प्यूट हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सारी की भाई की सारी संपत्ति गांधी जी के हरिजन सेवा ट्रस्ट को भेंट कर दी। 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके पिताजी के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली। खबर मिलते ही वो तुरंत हवाई जहाज से कराची होते हुए कलकत्ता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है, लेकिन वो फिर भी कलकत्ता आए और जैसा कि आशंका थी कलकत्ता आते ही उनको अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए एक रथ के द्वारा हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने अध्यक्षीय भाषण बहुत शानदार पढ़ा और यह कहा जाता है कि उस समय कि किसी भी भारतीय राजनीतिक द्वारा इतना प्रभावी भाषण नहीं हुआ था। अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना नेहरू स्थापना की और नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बना दिया। सुभाष ने बंगलोर के मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया के अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर कोटनीस के नेतृत्व में एक चिकित्सीय दल भेजा और आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली या फासिस्ट कहने लगे, मगर इन सब चीजों से ये था कि ये सुभाष ना तो जापान की कठपुतली थे ना ही फासिस्ट थे, वे केवल और केवल भारत की स्वतंत्रता के पोषक थे। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर
उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया कि इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत स्वतंत्रता संग्राम को शुरू कर दे, और सुभाष ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम भी उठाने शुरू किए, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तो सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे ना झुके। ऐसा व्यक्ति जब कोई सामने ना आया तो सुभाष ने स्वयं को ही कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने के लिए का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक जो उस समय के थे, उन्होंने भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहा, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की नहीं मानी। जब कोई समझौता नहीं हो पाया तो संभवतः कांग्रेस पार्टी में पहली बार अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। सबको लगता था कि जब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को का साथ दिया है, उसे चुनाव के लिए खड़ा किया है, तो वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, सुभाष को 1580 और सीतारामैया को 1377 मत मिले, और गांधी जी के प्रचंड विरोध के बावजूद भी सुभाष बाबू 203 वोट से ये चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी रमैया की हार को अपनी हार मानकर कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्यों से कहा कि वो जो इससे सुभाष के तरीके से सहमत नहीं है वो कांग्रेस से हट जाए। 14 में से 12 सदस्यों ने उसका इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी तटस्थ रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष जी के साथ रहे। 1939 में जब कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ तो उस समय सुभाष बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत बीमार थे और उन्हें स्ट्रेचर पे बुलाना पड़ा। गांधी जी और उनके साथियों ने इस मामले में सुभाष का कोई सहयोग नहीं दिया, और अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथी उन्हें एक नहीं मानी, और आखिर में 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। 29 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अपनी पार्टी स्थापित की, और इस स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक के बनने के बाद से कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी से युद्ध छिड़ने की सूचना मिली तो उन्होंने घोषणा की कि भारत के पास सुनहरा मौका है कि वो अपनी मुक्ति का अभियान तेज कर दे। 8 सितंबर को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष ने विशेष आमंत्रित रूप से कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया, और उन्होंने अपनी राय के साथ ये संकल्प दोहराया कि अगर कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ये काम कर लेगी। जुलाई 1940 में कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ, जो उस टाइम भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने उसे रातों रात स्तंभ को वहां से मिट्टी में मिला दिया, और सुभाष के स्वयंसेवक जो थे वो उस स्तंभ की एक एक ईंट वहां से उखाड़ के ले गए और वहां से उसका बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी जिसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह वो ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑलमोस्ट सभी नेताओं को कैद कर लिया, और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेल में डाल दिया गया। सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया कि भाई जिससे के अंग्रेज सरकार को मजबूर किया जाए कि वो उन्हें रिहा कर दे। हालत जब खराब हुई तो सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार ये भी नहीं चाहती थी कि वो युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए सरकार ने उन्हें उनके घर पर ही नजरबंद करके बाहर पहरा बैठा दिया। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। नजरबंदी के दौरान उन्होंने अपना दाढ़ी बहुत बढ़ा ली, और 16 जनवरी 1941 को वो पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद
शरद बाबू के जो बड़े बेटे थे शिशिर, उन्होंने घर के पीछे गाड़ी लगाई और आराम से गाड़ी का दरवाजा खोलने के बाद सुभाष उसमें बैठे और शरद बैठे, और गाड़ी का दरवाजा बंद भी नहीं किया कि कहीं जिससे आवाज ना आए, काफी दूर जाके उन्होंने बंद किया और कलकत्ता से दूर गोमो तक पहुंच गए। गोमो रेलवे स्टेशन से वो फ्रंटियर मेल पकड़ के पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के एक अपने मित्र मियां अहमद शाह से मिले। अहमद शाह ने उनकी मुलाकात उस किसान पार्टी के भगत राम तलवार से कराई। भगत राम तलवार और सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहुंच गए। इस जो यात्रा उन्होंने पूरी की उसमें भगत राम तलवार अहमद खान पठान के नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने रहे, और पहाड़ियों रास्तों में पैदल चलते चलते उन्होंने ये सारा सफर पैदा किया तय किया। काबुल में सुभाष 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नाम के एक व्यापारी के घर में रहे और उन्होंने वहां से चाह के भाई रूसी दूतावेश में जाके किसी से मिलूं। वहां उन्हें जब उन्हें कोई इस मामले में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाया और इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल हो गई। इन दोनों दूतावासों ने उनकी सहायता की और आखिर में एक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मास्को होते हुए जर्मनी पहुंच गया। बर्लिन में जब पहुंचे सुभाष तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी के नेताओं से मुलाकात की और जर्मनी में ही भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इस दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे और जर्मन सरकार के एक मंत्री ट्रॉट जो थे वो सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। 29 मई 1942 को सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता जाने माने एडोल्फ हिटलर से मिले। हालांकि हिटलर ने भारत के विषय में अपनी बातचीत में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन भी नहीं दिया। कई साल पहले माई कांफ नाम की एक आत्मचरित हिटलर ने लिखा था और उसमें उन्होंने भारत और भारतीयों के लोगों के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी थी। इस कारण सुभाष हिटलर से नाराज थे और उन्होंने ये नाराजगी हिटलर से व्यक्त की और हिटलर ने अपने किए पर या अपने लेखन पर माफी मांगते हुए सुभाष से कहा था कि जो अगला संस्करण माई कांफ का आएगा उसमें वो ये परिच्छेद निकाल देंगे। अंत में सुभाष को पता चला कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए कोई फायदा नहीं है। 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह से वे अपने एक साथी आबिद हसन के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की तरफ निकल लिया। ये जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर के मेडास्कर के किनारे पहुंची और वहां से दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी में पहुंच गए और द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसी दो देशों के बीच में पनडुब्बियों के बीच में अंतरण करने की यह पहली घटना थी। जापान के जो प्रधानमंत्री थे हिदेकी तोजो, उन्होंने नेताजी से व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको सहयोग करने का आश्वासन दिया और बहुत दिन बाद नेताजी का वहां की संसद में भाषण हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की और खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको, आयरलैंड ने मान्यता दे दी। जापान ने तो अंडमान निकोबार द्वीप को स्थायी सरकार को दे दिया और नेताजी ने इन द्वीपों के नामकरण भी कर दिया। पूर्वी एशिया में पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम रास बिहारी बोस को भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सुभाष ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन का प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ता हुआ शेर हुआ करता था। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने बहुत अपना योगदान दिया और आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार हालांकि मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आया था लेकिन विदेशों में रहने वाले जो लोग थे उनको एकजुट करके ये आजाद हिंद फौज बनाई गई।
इसका पहला सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ था। शुरू में जापान द्वारा युद्धबंदी किए गए भारतीय सैनिकों को इसमें लिया गया और इस बाद में बर्मा मलाया और स्थित भारतीय स्वयंसेवक इसमें भर्ती हो गए। कहा जाता है कि सेना में करीब 16,300 सैनिक थे। बाद में जापान ने जब 60,000 युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया तो इससे फिर ये इसकी स्थिति बहुत अच्छी बन गई। हालांकि जापान और जर्मनी से जो मदद नेताजी को मिली इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा अंग्रेज इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपने गुप्तचरों को 1941 में इस मिशन पे छोड़ दिया था कि जाके वो नेताजी की हत्या करते। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए युद्धबंदियों को जब भर्ती किया तो इसके साथ साथ उन्होंने औरतों के लिए एक रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई और पूर्वी एशिया के नेताओं को भाषण देते देते उन्होंने स्थानीय लोगों से भी कहा कि आप इस आजाद हिंद फौज में आइए और आर्थिक मदद भी दीजिए। उसी समय नेताजी ने अपने आह्वान में कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद हो दूंगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत की अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया और अपनी फौज को प्रोत्साहित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का इस समय नारा दिया था। इन फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिए और नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम भी दे दिया। इसके बाद दोनों फौजों ने मिलकर इंफाल कोहिमा में आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों की सेनाएं और जब द्वितीय युद्ध का अंतिम दौर आया तो अंग्रेजों सेनाएं आ गई और इन फौजों को पीछे हटना पड़ गया। उस समय जापान की सेना ने कहा था कि नेताजी हम आपको यहाँ से युद्ध क्षेत्र से निकाल देते हैं, लेकिन नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट की जो महिलाओं के साथ सैकड़ों मील पैदल चलना स्वीकार किया, लेकिन वहां से भागना नहीं स्वीकार किया। इस तरह उन्होंने बहुत नेतृत्व क्षमता अपनी बताई। 6 जुलाई 1944 को अपने भाषण में गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में बताया था और 6 जुलाई के उस रंगून रेडियो से जो प्रसारण हुआ था उसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। महात्मा गांधी के नाम से को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि बापू मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आजादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार होना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आजादी पाने का एक और सुनहरी मौका अपनी जिंदगी में हमें मिलेगा तो शायद मैं घर ना छोड़ता। मैंने जो कुछ भी किया है अपने देश के लिए किया है। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य को निकटतम पहुंचाने के लिए मैंने ये सब किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और शुभकामना चाहते हैं। इस भाषण के दौरान ही नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था और इसी भाषण के बाद गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब जापान हार गया तो नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था और उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 1934 में सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे। उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखने का विचार आया और उन्होंने अपने मित्र से किसी अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। नेताजी सुभाष के एक मित्र थे, उन्होंने एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात कराई। एमिली के पिता एक पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। सुभाष और एमिली की शादी 26 दिसंबर 1937 को ऑस्ट्रिया के बागिस्तान में हो गई थी। एमिली ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी और सुभाष का पूरा जीवन क्योंकि आदर्श आजादी के लिए समर्पित था तो ऐसे में उन्होंने इस शादी को गोपनीय रखा। हालांकि नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन्होंने 1942 में हिंदू पद्धति से विवाह किया और वियना में सुभाष और एमिली की एक पुत्री अनीता बोस का जन्म 29 नवंबर 1942 को हुआ था। सुभाष ने पहली बार जब एमिली को देखा तो 4 सप्ताह की थी और उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा। सुभाष
चंद्र बोस के जीवन पर लिखी हुई किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि दोनों के प्रति प्रेम कितना अटूट था। इटली के क्रांतिकारी नेता गैरिबाल्डी की पत्नी अनीता गैरिबाल्डी, जो अपने पति के साथ उनके हर एक युद्ध में शामिल हुई, उसी के सम्मान में नेताजी ने भी अपनी बिटिया का नाम अनीता चुना था। आजादी के जिस मिशन के लिए नेताजी अपना जीवन समर्पित कर रहे थे, उसकी वजह से ही बेटी और पत्नी के साथ उनका बहुत कम वक्त मिलता था। सुभाष ने दिसंबर 1942 में बेटी को देखने के बाद अपने भाई को एक पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने पत्नी और बेटी के बारे में जानकारी दी थी, और फिर वो वहां से अपने मिशन पर रवाना हो गए, और शायद उसके बाद वो कभी अपनी पत्नी या बेटी के पास नहीं जा सके। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक तथाकथित विमान दुर्घटना में सुभाष की मौत हुई। उस समय अनीता 3.5 साल की थी। हालांकि अनीता अभी जीवित है, उनका नाम अनीता बोस फाफ है, और अपने परिवार और परिजनों से मिलते हुए वो कभी कभी भारत आती रहती है। 18 अगस्त 1945 को जो नेताजी के हवाई जहाज, जिस हवाई जहाज से मंचूरियन जा रहे थे, वो हवाई जहाज उस दौरान वहां से लापता हो गया, और उसके बाद से किसी को भी कभी वो दिखाई नहीं दिया। 23 अगस्त 1945 को टोकियो रेडियो ने बताया कि सैगून में नेताजी के पास नेताजी एक बड़े विमान से आ रहे थे, और 18 अगस्त को ताइकोई हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, और यह भी कहा गया कि कर्नल हबीबुर रहमान ने उनका अंतिम संस्कार ताइहोकी में कर दिया था। और सितंबर के मध्य तक उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोकियो के रेकोंजी मंदिर में रख दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार से जो दस्तावेज हैं, उनके हिसाब से नेताजी की मृत्यु 28 अगस्त 1945 को अस्पताल में हो गई थी। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए अनेक बार आयोग किए, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिल पाया है। 1999 में मनोज मुखर्जी के नेतृत्व में एक आयोग बना था, और 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया था कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई दुर्घटना ग्रस्त हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि नेताजी की मृत्यु किसी भी विमान दुर्घटना में होने का उनके क्षेत्र में कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के बाद से नेताजी कहां गए, कैसे गए, ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि फैजाबाद में के गुमनामी बाबा, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में के रायगढ़ में भी नेताजी के होने के कई दावे पेश किए गए, लेकिन ये सब अभी तक कोई उनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। गुमनामी बाबा के बारे में तो एक आ जाता है कि वो फैजाबाद में लंबे समय तक रहे, और 1985 में जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनका सामान देखकर सब लोग बड़े दंग रह गए। गुमनामी बाबा फर्रटेदार अंग्रेजी बोलते थे, बंगला और जर्मन बोलते थे, उनके पास महंगी सिगरेटें होती थी, शराब, अखबार, पत्रिका आदि जो मिली सामान, उनसे कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली जो नेताजी की निजी तस्वीरें थी, और ये लगता था कि संभवतः वही नेताजी हैं। रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 की आजाद हिंद पत्रिका में छपी उनकी कहानियां, शाहनवाज और खोसला रिपोर्ट आदि, ये सब चीजें मिले। और कहते हैं कि गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह किया गया जहां पर फैजाबाद में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बारे में कई रिपोर्ट अपनी मांगी, लेकिन कोई खास विशेष बात पे का कोई हमें फायदा हुआ नहीं। कटक में जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है, वो अब संग्रहालय में परिवर्तित किया जा चुका है, और आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं है जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश के लिए संघर्ष सावधान किया। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के सम्मेलन, एक सम्मेलन किया था, और उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी का एक चित्र आसीन कर दिया था, और वास्तव में ये क्रांतिकारी द्वारा दूसरे क्रांतिकारी को दी गई एक अभूतपूर्व श्रद्धांजलि थी। दिसंबर 1940 से नेताजी के अंतिम समय तक उनके विश्वास पात्र रहे डॉक्टर शिशिर बोस ने नेताजी रिसर्च ब्यूरो के नाम की स्थापना की, और उनके जो जितने भी संदर्भ हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया था। महान देशभक्त और कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए बहुत बहुत जिदी
आता जी ने कहा था कि तुम मुझे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों द्वारा उन्होंने भारतीय जनतंत्र के अंदर फूंकी थी। और उनका एक विचार था कि एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार नेताजी ने कहा था कि भारत राष्ट्रवाद ने सदियों तक हमारे लोगों को विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और गांधी जी से शुरू में उनकी बहुत अच्छी रेपो नीति थी, चारधारा से वो सहमत नहीं थे। दिल्ली की भी संसद भवन में उनका बहुत जबरदस्त एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है और बंगाल विधानसभा में उनकी प्रतिभा लगी है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद लखीमपुर खीरी और मैं अवधि के एक बहुत बड़े कवि थे वंशीधर शुक्ल, उन्होंने गीत लिखा था जो कि उन्होंने अपना और वो गीत आप सब लोगों ने संभवतः सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, और ये गीत इतना अधिक लोगों को प्रभावित किया इस गीत ने कि लोग आखिर तक अंतिम समय तक यही चाहते रहे कि भाई ये गीत जो है नेताजी का उद्देश्य गीत बनता रहे। अब इस सब अब और ये तो समय काफी हो गया है तो मैं चाहता हूं कि अब इस गीत के साथ की पंक्तियों के साथ मैं आपको जो हूं आज के इसको कर दूंगा नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं इस गीत के साथ आज का अपना उद्बोधन आरंभ समाप्त करूं। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से भी ना तू डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे मरने से फिर तू ना डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा चलो दिल्ली पुकार के कौमे निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के कौमे निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। जय हिंद प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय बागेश शर्मा जी, आज आपने बहुत अच्छी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का काम को परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जागीश शर्मा साहब, आपने अपने चिर परिचित शैली में बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना घटना चक्र के साथ बिंधा हुआ था, उसको आपने अपने 55 मिनट या 50 मिनट के संबोधन में इतने सुंदर तरीके से बताया, तमाम शंकाओं को छूते हुए व्यक्तित्व के साथ जीवन के साथ लगी हुई सबको छूते हुए आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। मैं 2012 से 2014 तक 2 साल तक कटक में पोस्टेड था और मुझे तब तक ये नहीं पता था कि बोस साहब कटक में ही उनके जन्म हुआ था या वहां उनकी कोई इस तरीके से जगह थी जहां पर देखा जा सके।
मैं यही सोचता था जो बोस है तो कलकत्ता में पैदा हुए होंगे या बंगाल में पैदा हुए। आई हैड मैं गया वहां पे उनका देखा और उन्होंने जो घर था एक फ्लोर पे बोला इस कमरे में उनकी पैदाइश हुई वो कमरा वैसे ही है जहाँ हुआ यहाँ उनका बैंक था बैंक चलता था। यानी कि उन्होंने उनका जो विचार थे या उनकी जो सोच उनका विजन था वो एक राष्ट्र को लेके था स्वतंत्र राष्ट्र को लेके था। स्वतंत्र राष्ट्र के जितने भी स्तंभ होते हैं उन सभी स्तंभों का आपको आप देखेंगे वहां पे उन्होंने एक एक चीज इस्टेब्लिश की हुई थी सभी। जैसे पत्रकारिता से रिलेटेड हो दूर संचार से रिलेटेड हो बैंकिंग हो हर चीज को उनको विजन था इस चीज का। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। उनके व्यक्तित्व को आपने अपने शब्दों में पिरोया और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को बताया। कुछ अनछुए पहलू जो हमको नहीं पता थे वो आज आपकी वार्तालाप से भी पता लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वाणी इसी तरह हमेशा हम लोग को नए नए आयामों से राष्ट्र के जितने भी पुरुष हैं हमारे उनके आयामों से हम सबको अनुग्रहित करते रहे। हम लोग को grateful to you. Thank you. धन्यवाद आदरणीय अनुप सर। धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी। और जैसा कि एक विचार के साथ बाद में शांति पाठ तीन बारों के साथ करते हैं उस वक्त में सब लोग अनम्यूट कर लेंगे। आज का विचार जो है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर ही है उनका सेवा भावना। सुभाष चंद्र बोस बचपन में एक दिन देर से घर लौटे। माता ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा साथी शीतला के रोग से पीड़ित है उसी के कारण मुझे देर हो गई। पिता ने सुना तो कहा शीतला तो छूत की बीमारी है पास जाने से तुम्हें भी हो सकता है अतः वहां मत जाना। तब सुभाष बाबू बोले हम लोग ही उसकी सहायता ना करेंगे तो कौन करेगा। फिर यदि हम इसी डर से कि रोगी की देखभाल करना छोड़ देंगे तो रोग से रोगी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बेचारा गरीबी के कारण अपना इलाज भी नहीं कर पाएगा। इस समय मुझे अपने से अधिक चिंता उसकी है। पिता ये त्याग में ही सेवा भावना देखकर गदगद हो गए। आइए तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं। यही विचार आज के कोरोना काल में कितना रेलिवेंट है आप ये देखिए। कोरोना काल में भी हम लोग एक दूसरे की सेवा करने से भागते रहे छूत की बीमारी समझ के। आपने कहा तो मेरे दिमाग में एकदम से यही चीज आई। आइए हम उच्चारण करते हैं। आइए अनम्यूट कर लीजिएगा और सब लोग शांति 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 शांतिरेव शांति।